हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आज की क्लास हमारी केमिस्ट्री की है, जिसमें हम कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करना आपका मस्ट है और अपनी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज माना जाता है कि कई वर्षों पहले, क्या माना जाता है, कई वर्षों पहले या कह सकते हैं कि 15 अरब साल पहले क्या माना जाता था कि हमारा ब्रह्मांड जो है, हमारा यूनिवर्स जो है, वो किससे बना था। अगर किसी को पता हो तो वो बता सकते हैं। तो याद रखिए, हमारा ब्रह्मांड जो था वो किससे बना था, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन तथा हीलियम के एक छोटी राशि से बना था, आज ये माना जाता है। ऑल क्लियर? तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम बनने वाला परमाणु आखिरकार कौन सा है। तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारे यूनिवर्स में सर्वप्रथम जो एटम बना, जो परमाणु बना, उसका नाम क्या है। एग्जैक्टली, सभी लोग क्या बताएंगे, हाइड्रोजन बना। सर्वप्रथम परमाणु कौन सा था, हाइड्रोजन ही था। हाइड्रोजन को हम तीन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अभी आप सिर्फ नहीं कुछ जानते हो, बस ये जानो, हाइड्रोजन को हम तीन रूप में लिख सकते हैं। 1H1 के रूप में लिख सकते हैं, 1H2 के रूप में लिख सकते हैं, 1H3 के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर H का मतलब तो हम जान गए कि हाइड्रोजन को ये सिग्निफाई कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ये जो बॉटम में 1 लिखा है और जो टॉप में वो हाइड्रोजन के ऊपर जो 1 लिखा है, इसका क्या मतलब है, इस 1, 2 का, 1, 3 का क्या मतलब है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो यहां आप देख रहे हो, इसको अगर हम ले लें 1H1 को ले लें। ओके, तो हाइड्रोजन के जो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखा है, ये किसको सिग्निफाई करता है, एटॉमिक नंबर को सिग्निफाई करता है। इट मींस परमाणु संख्या को बताता है। और वहीं हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड में टॉप में 1 जो लिखा है, या जो भी संख्या यहां पे होती है, वो उस परमाणु की क्या बताती है, एटॉमिक वेट को बताती है। इट मींस परमाणु भार को दर्शाती है। ऑल क्लियर? तो इस प्रकार से आपको हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या पता चल गया, 1 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहोगे ये भी 1 होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाइड्रोजन का आपने परमाणु संख्या, परमाणु भार तो बता दिया, अब जल्दी से बता दीजिए कि हाइड्रोजन में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो उसको जानने के लिए सिंपल सा आपको 2 पॉइंट बस जानना होगा। क्या पॉइंट जानना होगा, पहला जानना होगा कि परमाणु संख्या जो होती है, इट मींस एटॉमिक नंबर जो होता है, वो किसके बराबर होता है। एग्जैक्टली, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम P प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्यों लिखते हैं बाद में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो इस हिसाब से आप हाइड्रोजन का क्या बताओगे, कि कितने इसमें प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जैक्टली, परमाणु संख्या 1 होने की वजह से हाइड्रोजन में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों दोनों की संख्या क्या होंगी, 1 होंगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, उसमें से यदि हम किसको माइनस कर दें, परमाणु संख्या को माइनस कर दो,
या फिर प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दो या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस कर दो, ये सब तो बराबर है, किसी को भी ले लो। तो चलिए हमने ले लिया कि प्रोटॉनों की संख्या को यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एग्जैक्टली उस एलिमेंट में न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है और न्यूट्रॉन को हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या 1H1 में क्या होगी, जल्दी से बताइए, एटॉमिक वेट परमाणु भार क्या है, 1 है, 1 हो गया। माइनस प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, एग्जैक्टली 1 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि 1H1 में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 1 है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है, बट न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है। इट मींस 1H1 क्या है, न्यूट्रल है। ऑल क्लियर, ओके। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक अदर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि सूर्य के कोर में, जो सन आपने देखा है उसमें जो कोर होता है, वहां पर मेरा पूछना है कि कौन सी अभिक्रिया होती है। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिन्होंने भी बताया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वहां पर होती है, इट मींस नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया वहां पर होती है। कहां पर होती है, सूर्य के कोर में। इस रिएक्शन में आखिरकार होता क्या है, तो इस रिएक्शन में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जोड़ा अपना अपना बनाते हैं। जैसे एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ जुड़कर दो प्रोटॉन बना लेता है, जोड़ा बना लेता है। अब एक प्रोटॉन किसमें होता है, एक प्रोटॉन का मतलब है, क्या मतलब है कि एटॉमिक नंबर, इट मींस परमाणु संख्या का एक हो जाना। परमाणु संख्या एक किसकी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाइड्रोजन की होती है। यहां पे भी वही है, एक प्रोटॉन है, मतलब ये परमाणु संख्या एक है, एक परमाणु संख्या किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। अब ये 1H और 1H मिलकर क्या हो जा रहा है, दो प्रोटॉन बन रहे हैं, और दो प्रोटॉन इट मींस इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि परमाणु संख्या दो किसकी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हीलियम की होती है। इट मींस 2HeM यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि हीलियम का जो सिंबल है उसको हम HE से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल क्लियर। तो यहां पे आप देख रहे हो, जब हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है तो क्या बना देता है, हीलियम बना देता है। इसी प्रकार से कई सारे हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, जुड़ते जाते हैं और हीलियम बना लेते हैं, और इस प्रकार से संलयन क्रिया वहां पर होती है, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होने के कारण हमारा सन का जो कोर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ऑल क्लियर, ओके। तो चलिए जानते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमें क्या पढ़ना है, हमें सिद्धांतों के बारे में कुछ जानना है, कुछ लॉज के बारे में जानना है। तो हमारी मेन हेडिंग क्या हो जाएगी, लॉज, इट मींस सिद्धांत। कौन कौन से लॉज हमें जानना है, इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। तो पहला हमारा जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट मींस द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा हमारा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन, इट मींस निश्चित अनुपात का सिद्धांत। और थर्ड हमारा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, इट मींस
गुणित अनुपात का सिद्धांत। इसको आप हिंदी में लिखना चाहो तो फटाक से लिखते हुए चलते हैं, सिद्धांत हो गया ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया। ओके, तो द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत को हम चलते हैं एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, एक आप रूम में, एक बंद रूम में, बंद रूम में चले जाइए और वहां पर एक कैंडल को क्या कर दीजिए, जला दीजिए। जब आप कैंडल को जलाओगे तो उसके कुछ समय बाद आप क्या देखोगे कि वो कैंडल जो होगी वो पिघल कर गायब हो जाएगी। तो क्या ये कुछ समय बाद देखने पर आपको लगा कि ये गायब हो गई, तो क्या ये वास्तविक रूप से गायब हो गई? जल्दी से बताइए, क्या ये वास्तव में हमारी जो मोम थी वो गायब हो गई? जिनका भी कहना है हाँ वास्तविक रूप से ये गायब हो गई, तो उनका कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि मोम जो होती है, मोम जो होती है वो आपके कमरे में जो ऑक्सीजन मौजूद होगी उससे क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी। और जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसका द्रव्यमान लोगे तो जो द्रव्यमान इसका आएगा ठीक उतना ही द्रव्यमान क्या होगा, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। इसका मतलब क्या है, जितना द्रव्यमान हमारे मोम प्लस ऑक्सीजन का था उतना ही द्रव्यमान इसका है। इसका मतलब यह है कि यहां पर हमारा जो मास है, इट मींस द्रव्यमान है, वो क्या है, कंजर्व्ड है, इट मींस संरक्षित है। ऑल क्लियर। इस रिएक्शन को अगर आप केमिकल फॉर्म में और अच्छे से लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, CH4 प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये C और O2 क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करिए, यहां पर हाइड्रोजन क्या है, 4 है, यहां पे 2 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहां पे देख रहे हैं कितनी हो गई है प्रोडक्ट में, 2 यहां पे है, 2 ऑक्सीजन यहां पे है, 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहां पर तो ऑक्सीजन की 2 ही संख्या है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी हमें ऑक्सीजन की संख्या 4 बनानी है, और कार्बन यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, इट मींस हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन हमारी कहां फॉलो करती है, मोम जब जलता है तो वहां पर प्रक्रिया फॉलो अप करती है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो द्रव्यमान होता है वो गायब नहीं होता है, वो हमेशा संरक्षित रहता है, वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। दूसरा पॉइंट हमें यहां से क्या पता चला कि मोम जो होती है, आपको पता होना चाहिए कोई भी पदार्थ, कई बार बता चुके हैं, किससे बना हुआ है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, इट मींस एटम से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर जो मोम थी उसके जो सूक्ष्म कण थे, दैट इज कॉल्ड द एटम, वो एटम उन्होंने क्या कर लिया, अपना केवल रूप बदल दिया, किसमें आ गए, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आ गए। क्या यहां पर किसी नए एटम का सृजन हुआ, क्या निर्माण हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और क्या यहां पे जो एटम्स थे मोम के और ऑक्सीजन के, क्या वो यहां पर नष्ट हुए, बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि जितने एटम्स यहां पे हैं वो ठीक उतने ही एटम्स वाटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो कहने का मतलब है, यहां से हम एक पॉइंट बता सकते हैं कि कोई भी परमाणु हो, कोई भी हमारा एटम हो, उसे हम ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, और ना ही उसका सृजन कर सकते हैं, इट मींस ना ही उसको हम निर्मित कर सकते हैं। एटम्स बस क्या करते हैं, एग्जैक्टली एटम्स बस क्या करते हैं, स्वयं को पुनर्स्थापित करते हैं, इट मींस रीअरेंज्ड करते हैं। उन्होंने अपने आप को क्या किया, मोम तथा ऑक्सीजन के फॉर्म से किस रूप में रीअरेंज कर लिया, पुनर्स्थापित कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो रीअरेंज हो गए, पुनर्स्थापित हो गए। ओके, अब ये जो थ्योरी है वो आखिरकार किसने दी,
कि एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो अभी आपको पता चल जाएगा। ऑल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप इसी में जानिए कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आखिरकार इसकी खोज किसने की, इसको डिस्कवर्ड किसने किया। सभी का आंसर आना चाहिए, इसकी खोज किसने की। एग्जैक्टली, फादर ऑफ केमिस्ट्री और द फादर ऑफ केमिकल साइंस, वो कौन थे? फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, और उनका नाम क्या था? सभी का आंसर आ जाना चाहिए, अब तो पूरा पूरा आंसर बता दिया। एंटोनी लेवोइसियर। ओके, तो एंटोनी लेवोइसियर ने द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑल क्लियर विद एग्जांपल, आपने समझा डिस्कवरी किसने की, वो भी आपने जान लिया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पर। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है कि लॉ ऑफ डेफिनेट और द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का सिद्धांत। चलिए एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से ही तो मिलकर बनी है। ओके, तो चलिए कार्बन हम कितनी ले लें और ऑक्सीजन हम कितनी ले लें उसको हम जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार के आधार पर, एटॉमिक वेट के आधार पर जरा अनुपात बताइए, रेशियो बताइए, तो क्या बताओगे आप? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? सभी को पता होना चाहिए, 12 होता है। और वहीं ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। लेकिन यहां पे दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 है, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 गुणे 2 इट मींस 32। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का? 32 हो जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि सी रेशियो O2 का जो एटॉमिक वेट का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 12:32। कट पिट करिए, 4 से कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3:8 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत हमें क्या बताता है कि यदि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है तो हमें कार्बन की मात्रा का अनुपात कितना लेना होगा? 3 लेना पड़ेगा। कार्बन का अनुपात यदि हम 3 लेंगे और ऑक्सीजन का अनुपात, O2 का अनुपात 8 लेंगे, तभी जाकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो ये हमारा ये सिद्धांत का कहना है। ऑल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जानते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और द कांस्टेंट प्रोपोर्शन की खोज किसने की, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसको डिस्कवर्ड किसने किया। तो इसको डिस्कवर्ड करने वाले भी कौन थे? फ्रेंच केमिस्ट ही थे, फ्रेंच केमिस्ट ही थे, जिनका नाम क्या था? जोसेफ प्राउस्ट। सभी को पता होना चाहिए। ओके ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी पर। एंड द नेक्स्ट थ्योरी इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट मींस गुणित अनुपात का सिद्धांत। जल्दी से बताइए गुणित अनुपात का सिद्धांत का क्या कहना है? चलिए एग्जांपल के तहत जानते हैं। पानी ले लीजिए। ओके, पानी को बनाने के लिए डेफिनेट प्रोपोर्शन इट मींस निश्चित अनुपात हम कितना लेते हैं? सभी को पता होना चाहिए, एक बार बता चुकी हूं, कितना लेंगे? 1:8। क्यों लेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 का गुणा कर देंगे, इट मींस 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, 16 होता है। इसको कट पिट करेंगे, 2:16 है, इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1:8 आ जाएगा। 1, यहां पे 1 क्या है? आपने मैथ का लेक्चर अगर लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो जाके प्लेलिस्ट पे तुरंत मैथ का लेक्चर लीजिए, आपको क्या पता चलेगा वहां से कि 1 कौन सी संख्या है? एग्जैक्टली, एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है। ये क्या है? एक होल नंबर है। इसके साथ साथ 8 भी तो एक होल नंबर है। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्या होती है? 0 से इनफाइनाइट तक कहीं पे भी चले जाइए वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं ही होंगी। तो यहां 8 भी पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है। गुणित अनुपात का सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स का जो हम अनुपात लेते हैं वो होल नंबर्स में होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन में।
फ्रैक्शन में इनका अनुपात नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 और 8 क्या फ्रैक्शन में है? बिल्कुल नहीं। 1 भी हमारा होल संख्या है और 8 भी हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ऑल क्लियर। चलिए अब जानते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के जनक कौन थे, इसको देने वाले कौन थे, इसकी खोज आखिरकार किसने की? सभी को पता होना चाहिए, इंग्लिश केमिस्ट ने की थी। उनका नाम क्या है जल्दी से बताइए, फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सिद्धांत दिया था। ओके, ऑल क्लियर। तो चलिए चलते हैं आगे, हम डाल्टन से ही स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताइए, परमाणु का सिद्धांत आखिरकार किसने दिया? परमाणु का सिद्धांत, इट मींस एटॉमिक थ्योरी, किसने दी थी, इसका प्रतिपादन किसने किया था? आंसर बता चुके हैं, जॉन डाल्टन। तो चलिए जानते हैं जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का आखिरकार क्या कहना था, पॉइंट वाइज समझते हैं। इनका कहना था, जो कि हमारा भी कहना है, अभी तक 10 बार हम बता चुके हैं आपको, कि जितनी भी मैटर होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो सब के सब किससे बनते हैं? परमाणु से बनते हैं, सब के सब एटम से बनते हैं। और वो एटम कैसे होते हैं, जिनको हम विभाजित ही नहीं कर सकते, इट मींस इंडिविजिबल होते हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से बनते हैं और वो परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, उनको हम नष्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया कि किसी भी एलिमेंट में आप देख लो, किसी भी तत्व में आप देख लो, जितने भी एटम्स होंगे, ऑल एटम्स, सभी जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल मतलब कि एक समान होंगे। क्या कहना है इसका, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आपने क्या किया, ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, ये रहा आपका ऑक्सीजन एलिमेंट। आपके ऑक्सीजन एलिमेंट में जितने भी छोटे 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 परमाणु होंगे, उन सब के पास कितने प्रोटॉनों की संख्या होगी? बिल्कुल सही, उन सब के पास 8 के 8 ही प्रोटॉन होंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम। ऑक्सीजन के सभी परमाणुओं के पास 8 प्रोटॉन ही होंगे। सब क्या है, एक जैसे ही तो हैं, आइडेंटिकल ही तो हैं, समान ही तो हैं। तो यही कहना था डाल्टन का कि एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो सभी एक समान होते हैं। अच्छा, यहाँ पे 8 प्रोटॉन ही क्यों होंगे? ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे उसमें 8 प्रोटॉन ही क्यों होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है और परमाणु भार 16 होता है। परमाणु संख्या 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ऑल क्लियर। ओके, चलिए जानते हैं डाल्टन का नेक्स्ट पॉइंट क्या था। नेक्स्ट पॉइंट डाल्टन का ये कहना था कि एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स से क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं। एलिमेंट्स ले लीजिए या मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, लेकिन कैसे कंपाउंड बनेंगे? जब हम एक निश्चित प्रोपोर्शन लेंगे, एक फिक्स्ड रेशियो लेंगे। डाल्टन का कहना था कि यदि हम एलिमेंट्स का फिक्स्ड रेशियो लेते हैं तो उससे हमारे यौगिक बनते हैं, एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनकर तैयार होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। डाल्टन का नेक्स्ट पॉइंट ये कहना था कि यहां पर इन्होंने पहला पॉइंट बताया कि एटम को हम नष्ट नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। इसी से रिलेटेड इन्होंने बताया, विभाजित करने के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि एटम का हम सृजन भी नहीं कर सकते, इट मींस एटम्स को हम निर्मित भी नहीं कर सकते। बस कर क्या सकते हैं, एटम्स को रीअरेंज्ड कर सकते हैं।
मीन्स पुनर्स्थापित कर सकते हैं। जो एटम्स होते हैं ना तो वो स्वयं का सृजन कर सकते हैं ना ही वो स्वयं से नष्ट हो सकते हैं, यहां तक कि हम भी उसको नहीं नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं को क्या कर देते हैं, पुनर्स्थापित कर देते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं, रीअरेंज्ड कर लेते हैं। ऑल क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। शेयर जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपको ज्यादा से ज्यादा हम कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। ओके ओके, थैंक यू।